गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग फ्रॉम ले। तो आज है 6 जून और हम आज निकल रहे हैं अपने नए डेस्टिनेशन पे जो कि है नुब्रा वैली। बट नुब्रा या उसके पहले कोई भी डेस्टिनेशन पहुंचने से पहले हम क्रॉस करेंगे खादुंगला पास जो कि है वर्ल्ड का सेकेंड हाईएस्ट मोटरेबल रोड। तो बस रेडी हो रहे हैं और निकलते हैं थोड़ी देर में। आई डोंट नो आज हम क्रॉस करेंगे नहीं करेंगे, लॉट ऑफ क्वेश्चन आ जाए, बट फिंगर्स क्रॉस, हर हर महादेव। लेट्स होप कि हम क्रॉस कर जाएँ। मौसम अभी क्लियर लग रहा है, सुबह के 5:30 बजे हैं। तो यार लेट्स सी, अब तो मिलता हूँ आगे, तब तक बने रहे मेरे साथ। तो हम यहाँ से निकल रहे हैं, लेलिंग गेस्ट हाउस है, बहुत ही अच्छी जगह है, यहाँ पे डेफिनेटली मैं रिकमेंड करूँगा इस जगह को। आपका नाम भैया? अजय। थैंक यू सो मच, थैंक यू। आप YouTube पे आने वाले हो? आप YouTube पे आने वाले हो? थैंक यू सो मच गाइस। यहाँ पे हमारा परमिट और RC चेक हो रहा है। आपकी बाइक अगर बाहर की है तो इट शुड बी अ पर्सनल व्हीकल, और हो चुका है। और अब आगे बढ़ रहे हैं यहाँ से खारदुंगला की तरफ। तो गाइज याद रखें, अगर ये बाइक आपके नाम पे है या आपके डायरेक्ट ब्लड रिलेशन लाइक योर फादर, योर मदर या फिर आपके ब्रदर उनके नाम पे या बहन के नाम पे, जो कि आपके डायरेक्ट ब्लड रिलेशन में आते हैं, नॉट सम दूर डिस्टेंस रिलेटिव्स, इट शुड बी अ डायरेक्ट ब्लड रिलेटिव। सो अगर उस नाम पे है तब इट्स ओके, आप यहाँ से आगे जा सकते हो, बट उसके लिए आपको प्रॉपर प्रूफ दिखाना होगा। अगर आपका खुद की बाइक है तब तो कोई टेंशन ही नहीं है, RC दिखाओ, उसमें आपका नाम होगा। बट अगर किसी आपके डायरेक्ट ब्लड रिलेटिव के नाम पे है तो यू शुड बी एबल टू प्रूव कि वो आपके डायरेक्ट ब्लड रिलेटिव है थ्रू आधार कार्ड, जैसे आपके पापा का नाम होगा आधार कार्ड पर। सो थिंग्स लाइक दैट यू नीड टू प्रूफ, देन ओनली दे विल अलाउ यू टू मूव फॉरवर्ड। और अगर आप रेंट पे लेके आ रहे हो बाइक जो कि लद्दाख से नहीं है, तो इन दैट केस दे विल नॉट अलाउ यू टू गो आफ्टर दिस पॉइंट। उसके लिए आपको यहाँ की लोकल बाइक ही रेंट पे लेनी पड़ेगी। और मुझे लगता है कि ये कुछ हद तक सही भी है, क्योंकि यहाँ पे मतलब 5-6 महीने का जो पीक टूरिस्ट पीरियड होता है अप्रैल से लेकर सितंबर अक्टूबर तक का, उस टाइम पे ही इनकी मैक्सिमम अर्निंग्स होती हैं। सो उस टाइम पे भी अगर लोग अब दूसरे स्टेट्स की बाइक्स रेंट पे लेके आएंगे, देन इन दैट केस इट इज़ नॉट गुड फॉर द लोकल बिजनेस। सो आई थिंक इट्स द करेक्ट मूव। बट हाँ, अगर आपके खुद की बाइक है तब कोई टेंशन की बात ही नहीं है। और परमिट ऑब्वियसली यू नीड टू शो, परमिट का प्रिंट आउट लेने का ज़रूरत नहीं है, यू कैन शो इट ऑन द फोन ऑल्सो। मैंने फ़ोन पर दिखाया और दे आर ओके विद दैट। बट फिर भी हमने प्रिंट आउट रखा है बिकॉज आई डोंट नो आगे जाके इंटरनल सर्किट में कहाँ पे ज़रूरत पड़ जाए, सो जस्ट टू बी सेफ। और खारदुंगला इज़ अराउंड 30 किलोमीटर्स फ्रॉम हियर, विल गो टू दैट पॉइंट एंड देन सी वहाँ पे हमें अलाउ किया जाता है या नहीं। बट वी आर होपिंग कि वी आर अर्ली और अभी मौसम भी ठीक लग रहा है, सो शायद अलाउ कर दिया जाए। बाकी सब भोलेनाथ के हाथ में, सो हर हर महादेव एंड वी मूव फॉरवर्ड। और साउथ पुलू की तरफ हम बढ़ रहे हैं अभी। साउथ पुलू इज़ अराउंड 14 किलोमीटर्स फ्रॉम हियर और खारदुंगला इज़ अराउंड 28 किलोमीटर्स। सो आई थिंक साउथ पुलू पे कोई चेक पोस्ट आनी चाहिए और वहाँ से फिर हम खारदुंगला के लिए असेंड करेंगे। अभी सूर्यदेव निकले हुए हैं, सो वेदर इज़ लुकिंग ओके, होपफुली इट विल रिमेन सो। बाकी देखते हैं, फास्ट ड्राइव कुड बी लास्ट ड्राइव, एब्सोल्युटली ये लिखा हुआ था पीछे। सो यहाँ पे जस्ट ड्राइव स्लो, बी इन कंट्रोल, मेक श्योर यू आर सेफ, बिकॉज दैट्स ऑल दैट मैटर्स।
दुर्घटना से देर भली। जैसे जैसे हम एसेंट कर रहे हैं, हाइट बढ़ रही है, वैसे वैसे वो ठंडी भी बढ़ रही है यार। तो इस ठंडी से मैंने वैसे पीवीजी के टूरिंग ग्लव्स पहने हैं जो कि विंटर और रेन प्रूफ हैं, बट आई डोंट थिंक खादुंगला के पास पहुंचने पे वो भी कोई काम के रहेंगे। ओ मैन, इट्स गेटिंग कोल्डर एंड कोल्डर। साउथ पुल्लू इज 7 kilometers फ्रॉम हियर। खारदुंगला पे आई थिंक माइनस में होगा टेम्परेचर। आप देख सकते हो सामने कितनी बर्फ दिख रही है स्नो कैप माउंटेन्स में। वो देख रहा कंप्लीटली कवर्ड इन आइस स्नो व्हाटएवर। हम लोग ने यहाँ रुके थे ताकि राइडिंग जैकेट के ऊपर रेनकोट डाल लिया, बिकॉज विद अ लॉट ऑफ लेयर्स, थर्मल्स, टी शर्ट्स, राइडिंग गेयर्स, एवरी थिंग, इट वॉज नॉट एबल टू स्टॉप द कोल्ड। सो अभी रेन जैकेट डाला है और अब देखते हैं क्या इससे होता है। बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो ना हो पता नहीं, लेकिन वी आर होपिंग फॉर द बेस्ट। और ये मेरे बीवी जी के थर्मल गेयर्स, थर्मल ग्लव्स, ये भी कुछ हद तक रोक पा रहे हैं, बट ज़्यादा तो नहीं रोक पाएंगे। और अगर मुझे हैवी ब्रीदिंग आपको सुनाई दे रही है तो आई अपोलोजाइज फॉर दैट, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन काफ़ी कम है तो इसीलिए थोड़ी हैवी ब्रीदिंग हो रही है मुझे। बट एज ऑफ नाउ एवरीथिंग एल्स इज़ ओके, फील्स गुड, एंड लेट्स होप वी आर एबल टू क्रॉस खारदुंगला टुडे। खारदुंगला इज 19 kilometers, साउथ पुल्लू इज 5 kilometers। साउथ पुल्लू सर एंट्री करना है क्या? नंबर याद नहीं है मेरे को, एक मिनट। एक मिनट एक मिनट, फोटो ले रहा हूँ। गाइस आप देख सकते हो यहाँ कितनी खतरनाक बर्फ गिर रही है। हम लोग रुके हैं टू गेट आवर गॉगल्स, क्योंकि आगे और भी ज़्यादा बर्फ है और धूप जो है वो भी आ रही है। तो धूप जो है वो बर्फ से रिफ्लेक्ट होके आपको आई बर्न दे सकती है, क्योंकि यहाँ पे अल्ट्रा वायलेट रेज जो है उनकी इंटेंसिटी बढ़ जाती है। तो इसलिए यू हैव टू वेयर योर गॉगल्स, यू हैव टू प्रोटेक्ट योर आइज। सो हम लोग गॉगल्स डाल रहे हैं। नाउ वी आर स्टार्टिंग द असेंड फॉर खारदुंगला विच इज़ अराउंड 12 to 13 kilometers फ्रॉम हियर। और भाई साहब बर्फ गिर रही है यहाँ पे बहुत ही खतरनाक। ओ भाई आंख में जा रही है, मुंह में जा रही है, जबकि हमने आंखों को मुंह को सबको कवर कर रखा है, उसके बावजूद भी जा रही है। पक्का यहाँ माइनस में है टेम्परेचर यार। ओ भाई साहब खतरनाक खतरनाक, एक नंबर। और प्रॉब्लम क्या हो रही है कि अगर हम वाइजर बंद कर रहे हैं तो पूरे गॉगल्स पे फॉग आ रही है, और वो आप देख सकते हैं सूर्यदेव जो है ऊपर है, बट उनकी इंटेंसिटी कम हो गई है क्योंकि बर्फ और फॉग ने उन्हें ढक लिया है। प्रॉपर स्नो है भाई साहब, और यही तो हमें चाहिए था। और यहाँ थोड़ी सी स्लिपरी कंडीशन भी हो सकती है, ब्लैक आइस का तो लग नहीं रहा चांसेस, बट वी नीड टू बी वेरी वेरी केयरफुल। तो आराम से धीरे 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 चलना है, और ये दोनों साइड पर स्नो है। वू! क्या बात है भाई, स्नो है भाई साहब,
और यही तो हमें चाहिए था। और यहाँ थोड़ी सी स्लिपरी कंडीशन भी हो सकती है, ब्लैक आइस का तो लग नहीं रहा चांसेस, बट वी नीड टू बी वेरी वेरी केयरफुल। तो आराम से धीरे 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 चलना है। और ये दोनों साइड पर स्नो है, क्या बात है भाई। देख रहे हैं विनोद, बर्फ गिरा के हमको डराया जा रहा है ठंडा से। ओहो, मजे आ रहे हैं, लेकिन बहुत ठंडी है भाई साहब, बहुत ठंडी है यार। माइटी खारदुंगला को कॉन्कर करने निकले हैं हम। वर्ल्ड सेकेंड हाईएस्ट मोटरेबल रोड पिनाका, वर्ल्ड सेकेंड हाईएस्ट मोटरेबल रोड की तरफ बढ़ रहे हैं हम। और अपने KTM 390 एडवेंचर, अपना पिनाका पूरी ताकत के साथ आगे बढ़ रहा है। हर हर महादेव। ओह, और उंगली ऐसा लग रहा है कि जम चुकी है दोनों, बस पेन फील हो रहा है और कुछ फील नहीं हो रहा उंगली में, जबकि हमने थर्मल ग्लव्स पहने हुए। फिर भी इट डजंट मैटर मैन। ओह माय गॉड, यहाँ -4 -5 डिग्री से कम टेम्परेचर हो ही नहीं सकता है। और बर्फ गिरे जा रही है मैन, शूट्स बहुत ही ज्यादा खतरनाक। और अब हमारा रियल टेस्ट स्टार्ट होने वाला है, क्योंकि ये ऑफ रोडिंग है और यहाँ पे बर्फ है, तो यहाँ पे बहुत ही स्लो गाड़ी ले जानी पड़ेगी। ओह मैन, ओ भाई, ऑफ रोडिंग है बर्फ के साथ वो भी। धीरे धीरे, हले हले, और मेरे पीछे का टायर ऑलरेडी स्किड हल्का हल्का कर रहा है, तो स्पीड को इवन स्लो डाउन कर रहा हूँ। ओ भाई, स्किड कर रहा है टायर, बहुत ज्यादा स्किट कर रहा है। ओह, टफ सिचुएशन। और वहां सामने एक बाइक फॉल हुई है, तो ये हो सकता है आपके साथ भी। गाइस आर ओके, ओके, एडवेंचर 390, थैंक यू सो मच पिनाका। So we have conquered the Marty Carbungla! Woo! Yes! Yes! Woo! The world's second highest motorable pass, the mighty Carbungla, we are here! Woo! Bye, Gajab! We have done it, man. We have fucking done it. Yes. Woo! Finally, the mighty Carbungla, world's second highest motorable road. We have done it together. Yes. इसी के बाद फर्स्ट भी करेंगे। भाई हमें भी लेने दीजिए, फिर भीड़ हो जाए। हाँ ना, इट्स ओके, विल टेक। कर रहा
साइड। कैमरा काम कर रहा है आपका? कैमरा काम कर रहा है ना? पता नहीं, मैं तो बंद कर। विशाल का कैमरा बंद हो गया।